नमस्कार समस्तिंकु मो ना प्रिय दर्शनी मुनि एवं मो मोर चैनल पीएमस लाइफ साइंस कोर्स मान को स्वागत करू छी। आजिरो टॉपिक रे हम डिस्कशन करबा फेरोमोन्स एवं बायोलॉजिकल क्लॉक विषय रे। साधारणतः फेरोमोन रो जहां भी कांसेप्ट अछि सेटा हार्मोन्स संगे रे टिके सिमिलर रहइबो, तो जदी आपण हार्मोन्स रो कांसेप्ट्स को भलो भाबे बुझी चंती एवं जानि चंती तो फेरोमोन संगे रे कोरिलेट करिवारे बेसी प्रॉब्लम फेस करबा को पड़िबो नाही। एवं मु ट्राई करबी कि किछटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स विषय रे आइडिया देबा पई एवं ता संगे रे मेजर जोटा क्लासिफिकेशन अछि ता विषय रे मध्ये हम डिस्कशन करबा। बाकी जदी किछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपण ऐड करबा को चाहौ छन सेटा आपण निजे हिसाब रे ऐड कर दे परिबे। बायोलॉजिकल क्लॉक रे मध्ये से गोटे ओवरऑल आइडिया हि देबा को मु चेष्टा करबी। एंड मु आशा करू छी कि पूरा वीडियो भीतर आपण किछटा इन्फॉर्मेशन मिलबो, किछटा वैल्युएबल इन्फॉर्मेशन जोटा कि आपण को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु हेल्प करबो। तो आम स्टार्ट करवा फेरोमोन्स मानकर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पाख को। जमी आप जानते जेकोसी प्रकार हार्मोन्स अच्छी सो हार्मोन्स मैंने खास करके बॉडी भितर डिफरेंट टाइप रो सेल कि टिश्यू मानक केस रे कम्युनिकेशन एस्टाब्लीश कर हेल्प करती, ऑर्गन्स मानक भितर एस्टाब्लीश कर हेल्प करती, इनफर्मेसन को सेंड करें कि कम्युनिकेशन मेन्टेन कर हेल्प करती। जिते बड़े आप फेरोमोन्स देखुं ये बॉडी भितर नुह रादर बॉडी बाहर कि एक्टिविटीज हुए जो दुईटा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भितर कम्युनिकेशन एस्टाब्लीश हो पार। सिंपल एग्जांपल रु जदि आप स्टार्ट करुँचे देन जिते बड़े मेटिंग बिहेवियर आसे से मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म भितर कि कम्युनिकेशन एस्टाब्लीश करा पड़े कि जितेबाला फूड कलेक्शन एक्टिविटीज आप देखुं देन से जगह पिंपुड़ी मान केस कि हनी बी केस महुमाछी केस देखिदारे एम पाखे गोटे प्रकार कोऑर्डिनेटेड मैनर में मुवमेंट शो करती जहाँ को कि आप पचर रिजन था मेजरली फेरोमोन्स। तो खास करके केमिकल मेसेंजर्स भी कह जाए केमिकल एथिपे बिकज एम नेचर बाय नेचर मैंने किसी केमिकल कंपोनेंट्स रे तैयारी एवं मेसेंजर एथिपे बिकज एम इनफर्मेसन को गोटे जगह आउ गोटे जगह को ट्रांसफर करिवारे हेल्प करती। इट कैन भी सिक्रेटेड आइदर फ्रम एक्सोक्राइन ग्लांड और एंडोक्राइन ग्लांड जमी बॉडी रे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मानक जदि आप देखिए देन बहुत प्रकार ग्लांड्स मैंने अवेलेबल अच्छा डिफरेंट ग्लांड्स मानक फंक्शनल एक्टिविटी डिफरेंट थाए कि जो मैंने कि एंजाइम परिका काम करती किसी था जो मैंने कि मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काम करती किसी था जो मैंने कि कम्युनिकेशन एस्टाब्लीशमेंट हेल्प करती। तो आइदर फेरोमोन्स जोटा अच्छे से एक्सोक्राइन रु सिक्रेट हो पार कि एंडोक्राइन रु सिक्रेट हो पार बट मेजरली जब आप देखिए देन एक्सोक्राइन सिक्रेशन गुड़ाक खास करके बेसी देखा जाए देन एम इंट्रा स्पेसीफिक कम्युनिकेशन रे हेल्प करती। इंट्रा स्पेसीफिक मैंने गोटे स्पेसीस अंडर रे जो ऑर्गेनिजम्स मैंने अच्छे से भितर कम्युनिकेशन एस्टाब्लीश कर हेल्प करती। तापर आपण जदि नेक्स्ट पार्ट देखुचंती दिस आर वेरी वेरी स्पेसीस स्पेसिफिक माने गोटे स्पेसीस रो फेरोमोन्स आउ गोटे स्पेसीस को अफेक्ट करिवो नाही। जेमती कि फॉर एग्जांपल आपण एठी देखि दे परिबे जदि आपण गोटे हनी बी रो एग्जांपल नउचंती सपोज ने धरि दियंतु मु एठी गोटे एपिस इंडिका रो एग्जांपल नउची एवं ता सहित आउ गोटे एपिस मॉलिफेरा रो आपण एग्जांपल नै जांतु। तो जेतेबेले एपिस इंडिका रो सपोज धरि दियंतु मेल ऑर्गेनिज्म किछटा फेरोमोन्स को रिलीज करूती केवल तार फीमेल ही आकु रिएक्ट कर दे परिबो किबा ता द्वारा अफेक्टेड हे परिबो बट मॉलिफेरा रो फीमेल केबे भी इंडिका रो मेल फेरोमोन संगे अफेक्टेड हो पार ना। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दे आर वेरी वेरी स्पेसीस स्पेसीफिक। तो सिमिलर स्पेसीस भितर कि गोटे स्पेसीस ऑर्गेनिज्म भितर ही इंटराक्शन टा हुए डिफरेंट स्पेसीस मानक भितर इंटराक्शन एस्टाब्लीश हबो नाही। खास करके जदि आप केमिकल माने कंपोनेंट हिसाब से जदि यार वेट को देखिए दे आर वेरी लो मॉलिक्युलर वेट एम साइज बहुत ही कम थाए एवं ता सहित आइदर एम वोलाटाइल हो पारे कि नॉन वोलाटाइल नेचर रे। सेकेंड जिनस जी आम देखा खास करके जिते आप क्लासीफाए करूँ फेरोमोन्स मानक से डिफरेंट एक्टिविटीज अनुसार तो एम को आइदर आम रिलीजर फेरोमोन्स भी कहीदार मुझे मेनशन करदे। सो आइदर दे कैन बी एज अ रिलीजर फेरोमोन्स। तो फर्स्ट आम देखा कि रिलीजर फेरोमोन्स कहले एक्जाक्टली कौन बुझाए और एम मोड ऑफ एक्टिविटी कौन रोचे ये रिलीजर फेरोमोन्स मानक आम अदरवाइज सिग्नलिंग फेरोमोन्स भी कहीदार एम खास करके इमीडिएट रेस्पॉन्स कि रिवर्सिबल रेस्पॉन्स शो करिवार हेल्प करती। इमीडिएट रेस्पॉन्स माने जमीक किसी अग्रेसिव बिहेवियर है तो से जगह इमीडिएट रेस्पॉन्स शो करने को पड़े से टाइप इमीडिएट रेस्पॉन्स कि रिवर्सिबल रेस्पॉन्स शो करती। हार्मोन्स मैंने खास करके कंट्रोल होता बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम आई मीन फेरोमोन्स मैंने कंट्रोल होता बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एग्जांपल हिसाब से जदि आपण नेबे दे एक्ट एज अ सेक्स अट्रैक्टेंट माने जेतेबेले मेल किंवा फीमेल ऑर्गेनिज्म भितरे मेटिंग बिहेवियर करिवार अछि तो जेतेबेले आइदर जे कोनसी प्रोटे आइदर मेल हैला किंवा फीमेल हैला माने किछटा केमिकल्स मानको रिलीज करथनी जहा द्वारा अपोजिट पार्टनर को किछटा सिग्नल मिले मेटिंग प्रोसेस में अग्रेसन अग्रेसिव बिहेवियर को एही हार्मोन फेरोमोन्स माने आइदर इंड्यूस भी कर दे परिबे किंवा इनहिबिट मध्ये कर दे परिबे। मिल्क इजेक्शन टाइम रे एही फेरोमोन्स माने हेल्प करथनी
ट्रेल बनने वाले हेल्प करते ट्रेल मैंने आपन बुझी परिबे गोटे प्रकार रा पाथ हुए जमती पिंपुड़ी माने जते बेले चालंती गोटे लाइन रे से मानकर मूवमेंट रहितो ताको ट्रेलिंग बेली कहा जाए ट्रेल बेली कहा जाए तो खास करके सही टाइप रो एक्टिविटी रे माने गोटे रास्ता बनेबा पई जो थे कि ऑर्गेनिज्म कंफ्यूज होवनी कि ताको को पटे जिबार अछि को डायरेक्शन रे जिबार अछि जमती कि आपन जति पिंपुड़ी केस रे देखि देबे से माने खास करके पूरा गोटे लाइन रे ही मूवमेंट करके जानती एवं लंबा टाइम पर्यंत से मानकर मूवमेंट कंटिन्यू रहैथे जते पर्यंत आपन ता भीतर किछ डिस्टर्बटिव बिहेवियर न शो करछ जति आपन हाथ में जी टे सैड करदे देन से जगह से कन्फ्यूजन हो गोटे टाइम पे से पूरा रैंडमली बिहेव करा लगे तेज एगेन पुणे थे से लाइन करा स्टार्ट करदे तो यहाँ को ट्रेल बोली कह जाए जो थे कि ऑर्गेनिज्म किसी फेरोमोन रिलीज कर एंड समवेयर दैट फेरोमोन विल बिहेव एज अ रोड कि सो दैट कि पछपटे जो ऑर्गेनिज्म आसू गोटे मानने सिग्नाल मिले कि कौ रास्ता पटे जबार अच्छे मैंने सामनावाला ऑर्गेनिज्म कौपटे जाऊपटे जबार अच्छे तो यही टाइप रिचा एक्टिविटीज थाए देन मैंने आलार्म बिहेवियर शो करती सब प्रकार एक्टिविटीज आपको रिलीजर फरमेंस मानक केस मिल जाए आउ गोटे जिनसे ये मुझे रखा चाहूँगी ये जो क्लासीफिकेसन मुझक बताऊँ जोटा कि तीन टा प्रकार क्लासीफिकेसन अच्छी खास करके डिफरेन्ट बुक्स आपको डिफरेन्ट टाइप क्लासीफिकेसन मिल जाए तो आईदर आप क्लासिफिकेशन अनुसार जातु कि आपन को जदि किसी भल रिसोर्सेस मिलूँ भल सोर्सेस मिलूँ डिफरेंट क्लासिफिकेशन को फॉलो कर दे पारे जमीक मेजर जो प्रकार पाखापाखि सतटा आठटा अलग अलग प्रकार क्लासिफिकेशन रही बट से टी कम्प्लेक्स वाला हो तो से मुझे बेस ये इंपोर्टेंस देना मुझे सिंपल वे मैंने जमी क्लासीफाई हो तार ही इनफर्मेशन ये बट ये आप डिपेंड करुँची आपड़ किसी एक्स्ट्रा आड कर चाहूँ देन आपड़ा आड कर देपारे या कम्प्लीटली डिपेंड न करें सेटा आपनको पई बेटर रहिबो जदि एक्स्ट्रा चाहूचोंदि आपण देन नेक्स्ट आसी जीवो प्राइमिंग हार्मोन्स ओ सॉरी प्राइमिंग फेरोमोन्स एटी आपण एटी मुताको भूल रे हार्मोन्स लेखि दै छी एटा आपण प्राइमिंग फेरोमोन्स बेली मेंशन करिवे प्राइमिंग फेरोमोन्स माने खास करिकि गोटे लॉन्ग टर्म इफेक्ट को शो करंती जदि आपण रिलीजिंग फेरोमोन्स देखु चोंदी ए जगह रे ए माने गोटे शॉर्ट टाइम पई बिहेवियर शो करि जदि मेटिंग बिहेवियर हला किबा गोटे अग्रेसिव बिहेवियर हला किबा ट्रेलिंग एक्टिविटी हला गोटे शॉर्ट टाइम पई ए माने कर बिहेवियर शो करिवो बट जतेबेले प्राइमिंग हार्मोन्स देखु गोटे बॉडी रे किछटा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आसे ए फेरोमोन्स मानक जो जोटा कि गोटे लंबा टाइम पर्यंत चले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं पारे कि मैच्युरेशन प्रोसेस को भी नहीं पारे तो खास करके जिते बड़े प्राइमिंग हार्मोन्स मानक रिलीज हुए एमाने प्रोलॉन्ग बिहेवियर शो करती गोटे लॉन्ग टर्म फिजियोलॉजिकल रिस्पांस केस रे देखा जाए एमाने रिस्पांस रे देखा जाए तो एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेशन एमाने खास करके थाए जदि आप फंक्शन देखुं जमीक आम जाने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्युरेशन टाइम एमकर डेवलपमेंट टाइम इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन बहुत बेसी आवश्यकता थाए तो जदि प्राइमिंग हार्मोन्स मैंने रिलीज होती है फीमेल बॉडी भितर आपको किसी सेक्स ऑर्गन्स सेक्स हार्मोन्स मानक रिलीज देखा मिले जमीक इस्ट्रोजेन है कि प्रोजेस्टेरोन है जमी ह्यूमन्स मानक केस मेंस्ट्रुअल साइकिल अवेलेबल थाए सेमती लोअर और मैमल्स मानक केस कि डिफरेंट मैमल्स मानक केस ईस्ट्रस साइकिल मिल जाए तो ईस्ट्रस साइकिल इनहिबिशन किंबा इंडक्शन मानने स्टार्टिंग हे कि बंद हो या उपर प्राइमिंग फेरोमोन्स मानक बहुत बेस इनफ्लुएंस थाए तो प्रेजेन्स आइदर यहाँ इंड्यूस हो पारा यहाँ इनहिबिट हो पारे टर्मिनेशन हो पार प्रेगनेंसी जदि प्रेगनेंसी को जदि टर्मिनेट करार अच्छे देन हार्मोन्स फेरोमोन्स मानक भी या भितर रोल रहा सहित सेक्सुअल मैच्युरेशन फेरोमोन्स मानक एक्टिविट रही है जमीक आम ये देखिले इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन रोल इनवल्व रोचे या भितर देन नेक्स्ट फेरोमोन जदि देखिए इम्प्रिंटिंग फेरोमोन्स बोली कहुए इम्प्रिंटिंग फेरोमोन्स खास करके डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू जदि आप देखुं देन टे मेजर रोल एम था खास करके मैंने इम्प्रिंटिंग कहले जो आम गोटे जिनस को कॉपी करथौ कि आपड़ी से गोटे मानने जदि आप बर्ड्स मानक ऑब्जर्व करेंगे माँ बतक जो टाइप बिहेव कै ना जो टाइप चले तो पचर पचर छुआ बतक मैंने भी सही टाइप चलती तो ताको इम्प्रिंटिंग बोली कहुए दैट मीनस आप गोटे बिहेवियर देखिए और ता हिसाब से जब कम करुँच देन से गोटे लंबा टाइम पीरियड पर्यटन आम बॉडी रे कोठी ना कोठी से ही गोटाक ही रही जाए गोटे परमानेंट बिहेवियर करके से काम करे तो खास करके इम्प्रिंटिंग फेरोमोन्स फेरोमोन्स मैंने जो मैंने अच्छा डेवलपमेंटल स्टेजेस गोटे मेजर रोल प्ले करते फेरोमोन्स जो आम बॉडी रे किसी परमानेंट चेंजेस देखा जाए और ये परमानेंट चेंजेस एडल्ट पर्यटन मेंटेन होकर रुहे तो इतिक रही गला आपनकर फेरोमोन्स मानकर क्लासिफिकेशन एवं तार कैरेक्टरिस्टिक्स बेसी डिटेल जे मु एक्सप्लेन इटी करी नहीं गोटे ओवरऑल आइडिया देबा को जस्ट चेष्टा करछि एटा आपनको पर डिपेंड करछि यदि आपन किछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करबा को चाहौ छी देन ऐड करि परिबे देन आम नेक्स्ट देखा बायोलॉजिकल क्लॉक विषय बायोलॉजिकल क्लॉक माने कहले कोन बुझे जेमती आपन नॉर्मल जदि क्लॉक देखु छथि
से आपनको कोन बतोची टाइमिंग बतोची दिन हला किबा राती हला जेमति कि मॉर्निंग हला आफ्टरनून हला इवनिंग हला ए सबरो टाइमिंग आपनको जेमति क्लॉक बतोची बायोलॉजिकल क्लॉक माने कोन आमा बॉडी भी सही हिसाब रे रिस्पोंड करे दैट मींस जते बेले दिन थाय आमा बॉडी गोटे डिफरेंट टाइप रे रिस्पोंड करबो जते बेले राती हुए आमा बॉडी गोटे डिफरेंट टाइप रे रिस्पोंड करे तो जते बेले बिहेवियरल रिस्पोंस आसी जाय टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल चेंजेस दैट मींस बाहर को टाइप रे चेंजेस आसुची सही हिसाब रे जते बेले बॉडी रे चेंजेस आसे किबा ऑर्गेनिज्म रो बिहेवियर रे चेंजेस आसे ताकू आमे बायोलॉजिकल क्लॉक बेली कहि दे परबा एंड एठी खास करके आपनको दीटा जिंस को मेंशन करिवार अछि एक तो पीरियड ऑफ इल्यूमिनेशन दैट मींस डे टाइम केते मेंटेन होछि ता ऊपर आपनकर बिहेवियर चेंजेस देखा जइबो किंबा नाइट टाइम केते मेंटेन होछि ता ऊपर भी बिहेवियरल चेंजेस देखा जाय एठी डिपेंड करछि ऑर्गेनिज्म डायरनल रहिछि किंबा नॉक्टर्नल रहिछि जो ऑर्गेनिज्म माने दिन टाइम रे बहुत बेसी एक्टिव थांदे से मानको हमें डायरनल बेली कहितौ जेंति कि ह्यूमन बी दे विल बी इंक्लूडेड अंडर डायरनल एक्टिविटीज यदि आपण ऑर्गेनिजम्स मानको देखुछन जो माने राति टाइम रे बहुत बेसी एक्टिव थांदे खास करके यदि आपण बादुड़ी रो एग्जांपल लेबे त माने नॉक्टर्नल ऑर्गेनिजम्स मानको भितरे आसी जेबे तो एटा डिपेंड करूछि कि पीरियड ऑफ इल्यूमिनेशन केते बेसी रहूछि पीरियड ऑफ डार्कनेस केते बेसी रहूछि सेही हिसाब रे ऑर्गेनिज्म डायरनल हबो किंबा नॉक्टर्नल जर्नल हो पार एवं जो टाइप रो एनवायरमेंटल चेंजेस आसुच माने बाहर जो प्रकार रो चेंजेस आसुच सही हिसाब रे बॉडी जते बेले बिहेवियर शो करबा को लागे ताकू बायोलॉजिकल क्लॉक बेली कहा जाय दैट मींस आपण एटा को कहि दे परिबे समवेयर आम बॉडी रे गोटे टाइप रो सेंसिंग एक्टिविटी काम करुची जहा द्वारा आमको ऑटोमेटिकली सेंस हो जाए जिनसटा कि सकाळ हला किबा राती हला इवन इफ एटा भी आपण माने भल भाव माने फील करथिबे जते बेले मॉर्निंग टाइम हुए इवन इफ जदी अलार्म 9 बजुची ना देन भी ऑटोमेटिकली निद भांग जाय तो कोठी ना कोठी आम बॉडी एक्टिव हो जाए माने एनवायरमेंट स्टिमुली सहित किंबा एनवायरमेंटल इनफॉरमेशन सहित आम बॉडी बहुत ही कोरिलेट करके रही था एवं किसी भी एनवायरमेंटल चेंजेस होगा तो आम बॉडी सांगसांग से हिसाब से रेस्पॉन्ड करने को लगे तो बायोलॉजिकल क्लॉक रे आमको किसी मेजर डिफरेंसेस देखा मिले और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मानकर बिहेवियर से अनुसार डिफरेंट था यदि ये फाइटोप्लांकटन मानकर आप एग्जांपल देखिए फाइटोप्लांकटन्स मैंने खास करके फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी शो करते बट एम टाइमिंग डिपेंड करुच्छे कि कौ टाइम फोटोसिंथेसिस करेंगे और कौ पर्टिकुलर एरिया मैंने अकुपाय करते तो वाटर बॉडी जब आप देखुंत जेकोसी प्रकार वाटर बॉडी जब फाइटोप्लांकटन्स मैंने अवेलेबल अच्छा तो मिट मैंने आपंकर सनलाइट जिते बड़े हाई थाए दैट मीनस तार इंटेनसीटी जिते बड़े हाई थाए से टाइम फोटोसिंथेसिस बहुत बेसी भल भाव में हुए तो खास करके यही टाइम ऑर्गेनिज्म मानक बिहेवियर आपको चेंजेस देखा जाए फाइटोप्लांकटन मैंने पूरा पानी ऊपर सरफेस को चली आसेंगे सो दैट कि बेसी रू बेसी लाइट सेमती से अब्जर्व करेंगे और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फॉलोअप करेंगे से सेम टाइम जदि आप जू प्लांकटन्स मानक देखिए जेहेतु बेसी लाइट एम टॉलरेट कर पारती ना तो ये सरफेस एरिया रुहतनी एम पानी मझे मझे एरिया रुहत तो यहाँ डिपेंड करुच्छे कि बिहेवियर के प्रकार चेंजेस आसुचे फाइटोप्लांकटन को लाइट दरकार से पानी ऊपर सरफेस रुहे जू प्लांकटन्स को लाइट दरकार नहीं मैंने जी आप आफ्टरनून टाइम देखिए जो सनलाइट बहुत हेवी थाए और बहुत इंटेंस थाए से ही टाइम रे खास करके एनिमल्स मैंने प्रिफर करती मैंने जमी बेस एक्सपोज न हो तो से ही टाइम जू प्लांकटन्स मैंने पानी मझे मझे लेवल रुहत तो यहाँ गोटे प्रकार बिहेवियरल को शो करे ऑर्गेनिज्म रो बिहेवियरल को शो करे जोटी की एनवायरमेंटल इनफर्मेशन सहित से निजी एडजस्ट करे फाइटोप्लांकटन रो आवश्यकता रही से पानी ऊपर लेवल को जाए जू प्लांकटन मैंने अवॉइड करने को चाहती इंटेंसीफाइड लाइट को से पानी मझे लेवल रुहत आउ किसी ऑर्गेनिज्म मानक केस आपड़ देखिए खास करके जब आम इनवर्टिब्रेट्स मानक ये देखा कॉक्रोचेस जब देखिए जमीक जो असरपा अच्छे असरपा खास करके नॉक्टर्नल बिहेवियर बेसी शो करे से फीडिंग रहा कि लोकोमोशन रहा मोस्टली राती टाइम से माने बहुत बेसी एक्टिव था हनी बी केस रे जदि आपण देखिबे आ गोटे एग्जांपल एठी नै परिबे हनी बी मानक केस रे माने हनी कलेक्शन पई एक तो बहुत बेसी एक्टिव हे कि थांती ता सहित सपोज धरि दियंतु गोटे पर्टिकुलर फ्लावर पाखरु ए मानको हनी कलेक्ट करियार अछि तो से फ्लावर रो ब्लूजिमिंग टाइम माने केते बेले फ्लावर टा फुटिबो ताकू भी माने भल भाबरे सेंस करके रखि थांती इवन इफ जदि पूरा दिन रे गोटे थर पर जब से फ्लावरटा ओपन हो पूरा मस भितर जब भी गोटे थर पर फ्लावरटा ओपन हो तो कौटी ना कौटी हानी भी को से जिनसर सेन्स थाए तो ये से गोटे अलार्मिंग बिहेवियर शो करती जिते बड़े भी फिल हो कि यहाँ बर्तमान टाइम आसीगला कारण से हिसाब से एनवायरमेंट भी चेंज हो सीजन भी चेंज हो दिन राति भितर डिफरेन्सेस भी सही हिसाब से आसूब तो हानी भी मैंने से ही हिसाब से निज बॉडी को कोऑर्डिनेट करते से रियलाइज कर दिखती कि बर्तमान टाइम होगा ब्लूजिम होबार तो आमको बर्तमान पहुँचार अच्छे तो जो मोमेंट फ्लावर ब्लूज
पॉइजनिंग हुए तो से मोमेंट रे माने ऑलरेडी जाके पहुंची जाई थी एवं हनी कलेक्ट करके नहीं आसंती तो एटा गोटे हनी बीर गोटे बिहेवियर गोटे एक्टिव बिहेवियर टुवर्ड्स द हनी कलेक्शन देन जदी आपण निमाटोड्स माने को देखिबे खास करके जो पैरासाइटिक निमाटोड्स माने अछि जो माने कि ह्यूमन बॉडी भीतर रहंती एज अ पैरासाइट फॉर एग्जांपल आपण आई वर्म रो एग्जांपल नै जाय परिबे ए माने निमाटोड रो ना हला लोआ लोआ तो लोआ लोआ खास करके आखी रे आखी को इन्फेक्ट करे एवं दिन टाइम रे जदी आपण देखिबे ए माने बहुत एक्टिव थांती और ब्लड रो पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन रे आपण के मानकर मूवमेंट देखा जीवो एवं मे मानकर प्रेजेंस मध्ये आपण फील कर दे परिबे बट जदी राती टाइम देखु छन तहाले माने डीप सर्कुलेशन भीतर को चली जांती एवं मे माने बहुत इनएक्टिव हो जांती सेई सेम केस रे जदी आपण फाइलेरियासिस कंडीशन देखु छन फाइलेरिया वर्म मान को जदी देखिबे माइक्रो फाइलेरिस मान को जदी देखिबे तहाले माने दिन टाइम रे डीप सर्कुलेशन भीतर थांती ऊपर लेवल को आसंती नहीं बट जतबेले राती हो जाय दैट मींस जतबेले होस्ट बॉडी कंप्लीटली रेस्टिंग कंडीशन को चली आछे तो ए माने संग संग एक्टिव हो जाती तो सही थी आई वर्म को खास करके डायरनल वेली कहा जाए और फाइलेरिया जो वर्म मैंने अच्छे इनक नॉक्चर्नल वेली कहा जाए फाइलेरिया राती टाइम रे बेसी एक्टिव था जोटी की आई वर्म जदि अच्छी आप दिन टाइम तार एक्टिविटी बहुत बेसी देखिपारे देन नेक्स्ट आसी जाऊँच वर्टिब्रेट्स मानक केस्रे वर्टिब्रेट्स मानक केस्रे आपको टिके डाइवर्सीफाएड वाला बिहेवियर मिले फॉर एग्जांपल मुझे ये सबुतक एग्जांपल देनी मुझे स्पेसीफाई एग्जाम स्पेसीफिक एग्जांपल को ये मेनशन कर बट बहुत गुड़े एग्जांपल आपको मिल जाए बुक्स पाखु कि अलग किसी इंटरनेट रिसोर्सेस आड करदेपरेंगे हिसाब से जदि आप माउस मानक देखुं माउस मानक केस्रे खास करके डायरनल रिदिम देखा जाए दैट मीन दिन टाइम मैंने आक्ट था ये जिनसा जना पड़ी कि एक्सपेरिमेंट कर मैंने माउस को गोटे पंजुरी भितर मैंने पंजुरी कह कह कि केज जहाँ भी अच्छी माउस को गोटे केज भितर रखिक तार पूरा डेली आक्टिट को जितेबाद मनिटर करागला यहाँ देखागला कि खास करके जितेबाद सनसेट हुए दैट मीनस जितेबाला आपड़ कहीदारे सन इंटेनसीफाइड वाला जो लाइट अच्छे से कमी जाए से ही टाइम आक्टिट बहुत बेसी थाए जो टाइम मिड डे जब आप देखिए दैट मीनस पूरा बारटा टाइम जिते देखिए दैट मीनस पूरा पिक वाला आफ्टरनून टाइम जब आप देखिए आक्टिविटी टिके लो था पूरा कंप्लीटली इनआक्टिव तो हूँ ना बट आक्टिविटी टिके इन कंपैरिजन टिके कम रहे बिकॉज़ नॉर्मली कौन हुए एनिमल्स मैंने बहुत बेसी लाइट को मैंने चाहती ना मैंने पसंद करते ना कि बहुत बेसी लाइट पड़े जमती कि ह्यूमन मानक भी से सेम बिहेवियर अच्छी किसी किसी ऑर्गेनिज्म मान को केस रे आपन को टिके डाइवर्सिफाइड वाला बिहेवियर मिलबो बट इन जनरली एनिमल्स माने अवॉइड करते बिकॉज 12टा टाइम रो जो लाइट थाए सेटा बहुत ही बेसी इंटेंसिफाइड वाला और बहुत हेवी वाला लाइट थाए तो सेथि में मोस्टली ऑर्गेनिज्म्स माने अवॉइड करते लाइट्स को तो माउस केस रे जदी आपन देखिबे सनसेट टाइम एक तो मिड डे टाइम रे माने बहुत लो थांती माने मानकर एक्टिविटी रे आपन को टिके लोनेस मिलि जिवो ता संगे वन्स सनसेट टाइम आसी गला कि मा वन्स आपनकर मिड डे टाइम टा माने कंप्लीट माने क्रॉस हे कि चली गला तें धीरे धीरे करके मानकर एक्टिविटी बढ़ी जाए देन आप नेक्स्ट गोटे आउ गोटे बिहेवियर को देखिए ऑक्सीजन कंजप्शन बिहेवियर माछ मानक केस रे जो एयर ब्रीदिंग फिशेस माने थांते जो माने कि टिके समय पे बाहर को आसिकी बिना पानी रे भी बंची के रही पारिबे से मानक केस रे मानक एयर ब्रीदिंग फिशेस बोली कहा जाए जमीक फर एक्जामपल आप चाना नहीं पारे कि क्लारीयस नहीं पारे कि आंबुस बोली नहीं पारे एम ऑक्सीजन कंजप्शन बिहेवियर को जब देखिए देन मॉर्निंग टाइम एमंर ऑक्सीजन कंजप्शन बिहेवियर बहुत बेसी था दैट मीन दे आर वेरी मच एक्टिव ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम जोटी की आफ्टरनून टाइम एमने कौन करते सबमर्ज हो जाती बिकज एगेन से सेम जिन आसी जाऊँगी आफ्टरनून टाइम दैट मीनस मिड डे टाइम बिकज लाइट इंटेनसीटी बहुत बेसी थाए तो अर्गानिजम निजी को बेसी एक्सपोज करे ना अदरवैज टेम्परेचर बहुत बढ़ी जाए हिसाब से मेन्टेन करेंगे डिफिकल्टीज तो मिड डे टाइम सबमर्ज हो जाती दैट मीनस पानीर मझी लेवल को पलि आसती पा भितर बुड़ी रुहती जोटी की मॉर्निंग टाइम जब आप देखिए पानी ऊपर सरफेस आसिक मैंने जो नॉस्ट्रिल वाला एरिया अच्छे ऊपर को करके जहाँ भी एयर एनगल्फ करार अच्छी कि नॉट एनगल्फ आई मीन एयर को रेस्पेयर करार अच्छे से एक्टिविटी से शो करते तो एयर ब्रीदिंग फिश मानक केस बिहेवियर मिल जाव जदि आप गोटे पर्सपेक्टिव जब भावे जितेबाद दुईटा ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैबिटेट को शेयर करूँ ये केस टाइप रिदम मेन्टेन करते सो दैट कि भितर ओवरलैपिंग न हो जमीक आपड़ी बार्ड को देखुं जेको गोटे बार्ड को निपण बैट को जब देखिए तो बर्ड्स मैंने खास करके डायरनाल आक्टिट शो करते जोटी की बैट मैंने खास करके नक्चरनाल आक्टिट शो करते इवन जदि गोटे जगार अभेलेबल अच्छा गोटे जगार ही जब रोचे तेज जाने निजर बिहेवियर को से हिसाब से मेन्टेन करते निजर बायोलोजिकल क्लॉक को से हिसाब से मेन्टेन करते जमी ओवरलैप हम ना तो बर्ड दिन में आक्ट
active rahila rati re inactive rahibo jothi ki bat rati re active rahibo ebam din re inactive rahibo ebam eta apan mane janithibe khas kari ki bat joda rahila baduri mane andhara ko beshi pasand karanti to seithi me gumpha area guda kare bahut beshi dekha jae even se mane daylight ko beshi pasand karanti nahi to mane asanti nahi beshi rati time re mane beshi active thanti din time re beshi inactive behavior apan ko ethi milijibo देन हमें ह्यूमन मानक केस रे जदि हमें देखिबो तो जेमती बाकी ऑर्गेनिज्म मानक केस रे बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन होची बॉडी गोटे प्रकार रो बिहेवियर शो करे टुवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टिमुली और द एनवायरमेंटल चेंजेस ठीक सेमिति ह्यूमन मानक बॉडी भितरे मध्ये बहुत प्रकार रो ग्लैंड्स माने रही छेंती बहुत प्रकार रो हार्मोन्स माने रिलीज होंती जो माने की एई प्रकार रो एक्टिविटीज को मैनेज करिवार हेल्प करंती मेजरली गोटे ग्लैंड रही छे जहार ना हला पिनियल ग्लैंड एवं पिनियल ग्लैंड खास करी के हमरो ब्रेन पाखरे अवेलेबल थाय तो पिनियल ग्लैंड कोन करे गोटे हार्मोन रिलीज करे जहा को की मेलाटोनिन हार्मोन बेली कहा जाए मेलाटोनिन हार्मोन खास कर रेस्पॉन्सिबल था स्लीपिंग पाई तो सेइत पे जतले राती टाइम हुए राती टाइम रे मेलाटोनिन रो हार्मोन रो सिक्रेशन बहुत बेसी बढ़ जाए बिकॉज़ ऑफ द डार्कनेस तो जतले डार्कनेस जो को मेलाटोनिन हार्मोन बढ़िबो तो ऑटोमेटिकली हमको नींद लागे बट जदी आपण मॉर्निंग टाइम देखिबे जेमिति लाइट आसीबा स्टार्ट हो माने जतले सूर्योदय हुए जतले लाइट आसे धीरे धीरे करके मेलाटोनिन हार्मोन रो सिक्रेशन कमी जाए एवं कमी गला परे हमर हमको हम भीतर गोटे अवेकनिंग बिहेवियर आसी जाए दैट मींस हमें माने सोई थिबा जदी देन संग संग हमको जाना पड़ जाए कि वर्तमान सकाळ हे गेलानी हम वर्तमान उठिबा दरकार तो ए जो बिहेवियर टा आछि एटा मेलाटोनिन रो सिक्रेशन कमी जाए सेइथि पे आसे तो राती टाइम रे मेलाटोनिन रो सिक्रेशन बेसी थाए जोटि कि मॉर्निंग टाइम रे जदी आपण देखिबे देन मेलाटोनिन रो सिक्रेशन आपनको कम मिलिबो सिमिलरली जदी आपण सेरोटोनिन कथा देखु जोंदी सेरोटोनिन रो बिहेवियर खास करके हमरा बॉडी रो एक्टिविटी ऊपर बेसी डिपेंड करे आपण केते एक्टिव रहु जोंदी केते काम को काम जहा भी आपण काम करु जोंदी ताकु केते अटेंटिव वे रे करु जोंदी सेथि सेरोटोनिन रो टिके मेजर रोल थाए तो ड्यूरिंग डे टाइम दैट मींस नून टाइम रे ए टाइम रे सेरोटोनिन रो सिक्रेशन टिके बेसी थाए बट जदी आपण राती टाइम देखिबे देन सेरोटोनिन सिक्रेशन कम था पर्टिकुलर कंडीशन रे आपण आ गोटे जिनस भी देखी दे पारे खास करके बिकॉज़ ऑफ़ द अनहेल्दी लाइफस्टाइल वर्तमान कौन हुए आमर जहाँ भी जमी बहुत रात पर्यटन आपड़ जब मोबाइल धरिकी बस किंवा बहुत रात पर्यटन जब लाइट को एक्सपोज होती देन शोबार आमको प्रॉब्लम हुए तार रीजन है कौन मेलाटोनिन रो मेन काम होला सी डार्कनेस बेले सिंथेसाइज हबो दैट मींस डार्कनेस बेले सिक्रेशन हबो बट जदी आपण लाइट को एक्सपोज करके रखुचें बहुत समय पर्यटन जब मोबाइल धरिके रहिले किंवा बहुत समय पर्यटन लैपटॉप सांगर जदी आपणकर फेस एक्सपोज होला तो रेटिना थ्रू रे जहाँ भी लाइट जीव सी पिनियल ग्लैंड पर्यटन पहुँचे और पिनियल ग्लैंड को किछटा लाइट सेंसिटिव वाला इनफर्मेशन मिलबो एंड इन रेस्पन्स पिनियल ग्लैंड केबे भी मेलाटोनिन को सिंथेसाइज करिवो नाही सेइति पई कुहा जे जते बेले रात्री रे सोइला टाइम रे लाइट को जदी आमे बंद करके रखुचे किंवा आमे जदी डार्क वाला एरिया जब टे बे मेन्टेन करके रखुचे देन से जगह निद भल हुए बिकज लाइट वाला हेले आपको मेलाटोनिन सिंथेसाइज हम ना और मेलाटोनिन जिते कम सिंथेसीस हम आमको निद भी से कम हम तो यहाँ गोटे गोटे एक्स्ट्रा इनफर्मेशन रहा आई होप कि आपको हेल्प कर तो बायोलॉजिकल क्लॉक विषय में डिस्कशन कले देन आम फेरोमोन्स मानक विषय डिस्कशन कले मुझ एगेन से सेम कथा कहबी बायोलॉजिकल क्लॉक इटसेल्फ गोटे बहुत बड़ चैप्टर को बुझे बट सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू रे जदि आपन देखुं देन बायोलॉजिकल क्लॉक रे एते माने आपन जदि पूरा ओवरऑल गोटे आईडिया देखिबे देन एठी मु एक्सप्लेन कर दे छी बट आपनक हिसाब रे जदि किछि एक्स्ट्रा आईडिया किमा किछि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पुट अप करबा को चाहौ छन देन सेटा कंप्लीटली आपनक ऊपर डिपेंड करू छी डिफरेंट इंटरनेट सोर्सेस रु आपन नै जाई परिबे इन्फॉर्मेशन किमा जे कोनोसी बुक्स जोटा भी आपन फॉलो करू छन बिहेवियरल इकोलॉजी रे जदि किछि भलो बुक अछि ताकु मध्ये आपन फॉलो कर दे परिबे आपनक किछरा मेजर इन्फॉर्मेशन किछरा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाई परिबो याकु नै कि जदि किछि डाउट अछि जहाँ भी आम एक्सप्लेन कले पूरा डिस्कशन कले पूरा वीडियो थ्रू रे जदि आपको नहीं किसी डाउट अच्छे तेज आपड़े क्वेश्चन पचार दे पारे मुझे चेस्टा करी कि से क्वेश्चन जदि किसी सिंप्लीफाएड आंसर पॉसिबल हो पार देन मोर आंसर कमेंट सेक्शन रे पुट अप करदेवी ओके सो थैंक यू एवरीवन हैव अ गुड डे बाय बाय ऑल